हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फीलिंग गुड। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, मैं, ये मेरे साथ चंकी, मतलब वी आर लाइक फ्रेंड्स। ये हमारा अक्कू और वो पीछे वो रहा हमारा अन्नू, हिज नेम इज अनुराग। वी फोर पर्सन्स, वी आर फोर पीपल्स। अब जा रहे हैं घूमने ऋषिकेश। क्या कहते हो, सिलेरियो में चले हैं? नहीं यार, ये बेकार है। अपनी गाड़ी में चलते हैं मराजों में। ये भी साफ करें, इसके वॉशर में पानी डाल रहे हैं अभी, है ना। ये भी साफ करिए, बिल्कुल बढ़िया अंदर चमका दी, फुल न्यूज़पेपर वगैरह लगा दिए। अब निकलने वाले हैं बस, है ना। अभी गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपको मैं अपडेट दे। आ गए हम पेट्रोल पंप पर, तो अब यहाँ से हम पहले अपनी टंकी फुल करा लेते हैं। भैया कितना डीजल डला रहे हो आप अपनी गाड़ी में? टैंक फुल। फुल टैंक करा रहे हो? हाँ। इतने पैसे आप कहाँ से लाए? कौन से बैंक में डकैती मारी? डाका मारा था भैया हमने। डकैती मारी थी? एचडीएफसी बैंक। ऐसे बैंक में डाका मार लिया। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये भैया ये डीजल फुल कर रहे हैं हमारी गाड़ी में, जो कि आगे कोई दिक्कत ना। और ये हमारे चाचा जी ये ब्लॉग बनाते हुए, देखो हमने डीजल फुल करा लिया है और अब हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हवा डलवानी है, चलो हवा डलवा लेते हैं। हवा लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं, देखो हवा कौन डालेगा, लगता है हमें खुद ही डालनी पड़ेगी। भाइयों भी रुक गए हैं, 70 किलोमीटर आए हैं अभी, और अभी आगे चलना है कम से कम 200 किलोमीटर। 150 से हरिद्वार ही है, उससे लगा लो आपका मंसूरी है आपका 80 किलोमीटर है, तो ऋषिकेश जाएंगे या मसूरी जाएंगे अभी हमें भी नहीं पता कहाँ जाएंगे हम। क्या पता आगे भी चले जाए, हम और आगे जा सकते हैं, है ना। और आप बताओ, देखो ये हमारा बातें कर रहा है, ये हमारा अन्नू आपस में बातें करते हुए, ये अन्नू हमारी वीडियो बनाते हुए। 200 किलोमीटर रह रहा है अभी, हमने 70 किलोमीटर क्रॉस किया यूपी के बॉर्डर, ठीक है। जैसे आपने सुना, अभी हमने रोकी थी गाड़ी हेल्प लेने के लिए, तो अब हेल्प पियेंगे, थोड़ा ब्रेक लिया, पानी वानी पी रहे हैं, उसके बाद फिर चल देंगे, है ना। मिलते हैं, ओके। छत देख रहे हो भाई, गाड़ी के ऊपर चमक रही है चीज, आ रहे मजे, हमें बहुत मजे आ रहे हैं। आए बाय जी, हम पहुंच चुके हैं मेरठ हाईवे के टोल टैक्स पर, और ये खुल नहीं रहा, हमने फास्टैग का रिचार्ज करवा रखा है पर खुल क्यों नहीं रहा। अभी हम हरिद्वार में रुके हैं गंगा स्नान करने के लिए। देखो ये मेरे पीछे, देखो ये पूरी गंगा नदी है, जय गंगा मैया। ये देखो, कहीं ऐसा ना हो पीछे जाते जाते पानी में गिर जाऊं, मुझे तैरना भी नहीं आता। ये हमारे चाचा जी, ये नहाने को रेडी, ये हमारे भाई फ़ोन चलाते हुए, तो अब नहा लेना चाहिए हमें। वैसे रात को गंगा में नहाते नहीं, लेकिन रात हो नहीं रही, अभी सुबह हो गई है ना, 4 बज चुके हैं सुबह के, तो हम नहा सकते हैं, कोई ऐसी कोई ऐसा इशू है नहीं। बाकी पूरा व्लॉग देखते रहना। ये है गंगा माता, और ये गंगा की घाट पर ये लोग सो रहे हैं, इनको बहुत ठंड लग रही है, और एक्चुअली हमें भी ठंड लग रही है। जब तक हम दिल्ली में थे हमें कुछ ठंड नहीं लग रही थी, और यहाँ पर आते ही मतलब कि ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत मतलब कि एक होता ना
दिल्ली में होती है जैसी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स तो हवा रुक जाती है, यहाँ पर एकदम बढ़िया हवा चल रही है, कोई स्टॉपर नहीं कोई कुछ नहीं, बढ़िया एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है अभी हम ऊपर जाएंगे मसूरी में, वहाँ पहाड़ों में कितनी ठंड लगेगी, मैं तो ठंड के कपड़े लाना ही भूल गया यार। तो गाइस नहाने के लिए हम रेडी और हमारे साथ के लोग नहाने के लिए। गाइज हम निकल चुके हैं, अब हम हरिद्वार में नहा लिए, गंगा में नहा लिए, तो अब हम मसूरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मसूरी के रास्ते, मसूरी रास्ता स्टार्ट हो गया है और हम हद से हद 46 टू 47 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। ये देखो कैसे कैसे ये घुमावदार रास्ते हैं, बस सारे देखते रहना, ये बैठे रहना, कोई उल्टी मत कर देना बस गलती से। मसूरी पहुंच चुके हैं, ये देखो ये पीछे माल रोड है पूरा, और ये हम मतलब कि पहले पहुंच गए थे लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश था तो गाड़ी यहाँ पे रोकने नहीं दी हमें, तो हम गाड़ी अभी होटल में लगा के आए हैं, बढ़िया से ढूंढ डांड के होटल की पार्किंग में लगा के आए हैं, और यहाँ पर अभी हम आए हैं यहाँ पर ब्लॉग बनाने, अपनी वीडियो पूरी करने, तो अभी हम आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे से भी रूबरू कराते हैं। बहुत सी पब्लिक यहाँ पर पिक्स लेने और वीडियोस बनाने आते हैं। हम यहाँ पर आए कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही थी, पूरी मार्केट बंद है तो यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं, वैसे तो हमारा नॉनवेज खाने का मन था लेकिन सुबह सुबह नॉनवेज खाना सही नहीं होता, तो हमने सोचा कुछ वेज खा लिया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं और जो हमारे साथ के दो बंदे तो उनको तो रेस्ट करना था, एक ड्राइविंग करके आया है काफ़ी लंबे टाइम से तो वो थक गया था, और दूसरा भी बंदा थक गया है तो वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और ये मेरा भाई, हम दोनों आए हैं कुछ खाने के लिए। तो क्या खाना भाई? पराठा पनीर का। भाई ये पनीर का पराठा है, भाई के लिए ऑर्डर कर दिया है, और तो चाय ऑर्डर कर दी है। मैं सोचता हूँ भटूरे खा लिए जाए तो बेटर रहेगा, वैसे भी पूरे दिन हमने काफ़ी घूमना है, ऑयली खाने का सुबह सुबह नहीं, काफ़ी घूमना है हमने पूरे दिन, तो हो जाएगा डाइजेस्ट। ऑयली खाने का ना एक्चुअली सुबह सुबह मन नहीं करता एक तो। हाँ ये तो है कि क्योंकि पर भटूरे में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन यहाँ पर और कुछ है नहीं खाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह इतना कुछ खास मिल नहीं रहा है यहाँ पे खाने के लिए, पूरी मार्केट बंद है, राजमा चावल पूछा वो भी नहीं है, राजमा चावल तो अगर मिल जाता तो उसमें उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं थी, और क्या करें अब राजमा चावल है नहीं तो हम जो मिल गया वो खाना पड़ेगा। पराठा तो मेरा खाने का मन है नहीं, तो मैंने सोचा छोले भटूरे खा लिए जाए, ट्राई करते हैं। अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं तो हम भी पराठे ट्राई कर लो, सब अच्छे ही होंगे यहाँ के छोले भटूरे, देखते हैं मसूरी के छोले भटूरे कैसे होते हैं। तो बैठे रहिए, अपनी कुर्सियों की पिटी बांध के रखिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। हम अपने होटल से बाहर निकल रहे हैं,
और काफ़ी लेट हो गए हम, मतलब कि हम आए थे वहाँ से जब खाना वाना खा के आए थे, तो हम फिर उसके बाद आके हम सो गए थे, बहुत थके हुए थे हम, रात से पूरी रात से सोए नहीं थे। दो लोग तो हमारे साथ के पहले से ही सो रहे थे, तो हम भी जाके सो गए, तो हम बहुत लेट उठे हैं। तो उठ के हम जो है अपने फ्रेश व्रेश होके अब नहा धो के अपने अब निकल रहे, अब घूमेंगे मॉल रोड। मॉल रोड के बाद ये देखो व्यू उसका, देखेंगे कहाँ जाना है, कहाँ का प्लान एन रूट होता है। बाकी अभी बात कर रहे हैं कि कल हो सकता है कहीं और भी जाएं। देखो अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, और मतलब कि एकदम अच्छा मौसम हो रहा है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। देखो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। बहुत रश हो रहा है, मुझे तो मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ ना। यहाँ का रावण कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब पहाड़ों पे कभी रावण जलते हुए नहीं देखा मैंने। ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, एकदम सेक्सी सा। सुबह जब हम आए थे तो सारी दुकानें बंद थी, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, हम 7:30 के आसपास पहुँच गए थे। और ये देखो रश, देखो ये मसूर का रावण, तो मैं फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। ये रावण के छोटे छोटे 5-6 सिर बना रखे हैं, तो ज़्यादा ही छोटे हैं। एक सिर तो इतना बड़ा है और बाकी सिर इतने छोटे हैं। देखो मतलब पहाड़ों पे जो बसी हुई मार्केट कितनी प्यारी लगती है ना यार, वो तो यहीं आके पता लगेगा। चलो मॉल रोड का एक चक्कर मार के आते हैं। यहाँ की दुकानें हैं सारी, ये देखो मतलब कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों पे करोल बाग बसा दिया, एकदम फुल दिल्ली वाली फील आ रही है। ये हमारे साथ के 3 मेंबर्स, ये देखो जो सारे सोते रहते हैं, ये दोनों हमेशा सोते ही रहते हैं बस, और घूमता सिर्फ मैं ही हूँ। इनको तो बस आना है, गाड़ी चलानी है, पहाड़ों के मजे लेने और सोना है, रूम में जाके सोना है, बस ये करना है इनको। ये फायर ब्रिगेड मंगवाते तू। यहाँ की सारी मार्केट है ये फोटो लेने के लिए, स्टैंड बना हुआ है। अब यार भूख लग रही है बहुत जोर की, तो मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लिया जाए, और बेस्ट यार हमने सुबह भी खा लिया था, तो अब मेरा मन कर रहा है नॉन वेज खा लेते हैं। कहाँ चलना है फिर राजकमल? वेज नॉन वेज चाइनीज, चलो देखते हैं कैसा मिलते हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ, देखते हैं खाना कैसा होता है, उसके बाद ही पता लगेगा। एक जीरा राइस और ऑर्डर कर रहे हमारे लिए तवा रोटी है, तंदूरी। ऐसा ना हो खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ऐसा ना हो चार तंदूरी रोटी कर देना, जितना अच्छा इन्होंने जैसा बना रखा है खाना उतना ही बेकार ना हो। बस हो सकता है अच्छा भी हो, मैं नहीं कह रहा बेकार ही होगा, देखता हूँ तो खाने के बाद ही पता लगता है। खाना आता है फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ खाने का कैसा है खाना। गाइस जॉइन रेस्टोरेंट नाम है राजकमल, और अभी लॉलीपॉप मंगाया है, और आपका चिकन पुलाव, चिकन चंगेजी एंड रोटी एंड ऑल, और इनका लॉलीपॉप तो बहुत ऑसम है सीरियसली। और बाकी अभी टेस्ट करते हैं, और बाकी कैसा है मैं आपको एक बार उनका लुक दिखाता हूँ कैसा है, ठीक है लोग। सो दिस इज़ आर चिकन चंगेजी, ये रोटियाँ, प्याज चटनी, पुलाव और लॉलीपॉप तुम खा गए, सॉरी वो दिखाने के लिए नहीं है डिस्प्ले में। चलो ओके
बोलते पैक करने का जो गाइस खाना काफ़ी अच्छा था। और ये देखो यहाँ पर अभी अभी बारिश हुई है, देखो कितना प्यारा वो लग रहा है, रोड एकदम गीला गीला बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो खाना बहुत ही अच्छा था और काफ़ी मतलब कि किफ़ायती था। हम ढूंढ रहे हैं अब यहाँ पर कोई लॉन मिल जाए तो हम भी थोड़ा हुक्का पी लेंगे, मतलब हम नहीं ये पीछे वाले लोग, ये लोग थोड़े हुक्के के चचेड़ी हुए हैं। और ये देखो ये देखो ये सारी ये देखो ये लोग बार बार रुक रहे हैं लोकल मार्केट के नाम पे, मैं बंदी आने लेनी तो आवाज़ आ रही है गानों की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ लॉन्च और क्लब ये आसपास ये लग तो रहे, क्या है ये देखते हैं जरा पास जाकर। रिकॉर्ड यार, रिकॉर्ड तो मुझे वैसे ही पसंद है। और अब यहाँ पे क्या है ये रिकॉर्ड, ये कुछ अच्छा सा ये रेस्टोरेंट लग रहा है यार, लेकिन हमें तो लॉन्च चाहिए। पहाड़ी कुत्ते अच्छे लग रहे हैं, लॉन्च पहाड़ी कुत्ते देखो कितने वो लग रहे हैं, फ्लफी फ्लफी डॉग यार। आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है ये नहीं पता, पता लग रहा है मतलब कि जब भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान आसपास ही है। ये देखो गाइस कितनी धुंध है यार रोड पे, ये देखो इतनी धुंध, इतना प्यारा व्यू लग रहा है यार कसम से। मैं बहुत बार मसूरी आया हूँ लेकिन इस बार तो मैंने कुछ यूनिक ही लग रहा है मुझे। नीचे से निकलते हम, मैं नहीं चाहता है राउंड चले, लेकिन यार राउंड चलेगा तभी तो मजा आएगा। इतना राउंड भी इतना प्यारा बना रखा है देखो, लाइटें शाइटें लगा के बढ़िया एकदम बातचीत वाला राउंड, रावण का भी अलग ही स्वैग दिख रहा है यहाँ पे, रावण दहन। देंगे जैसे राम डलते मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए बैठे रहिए कुर्सी की पेटी बांध के रहिए, शुरू होने वाला है रावण दहन का शो। लगता है ना सस्ते वाले स्काई शॉट मंगवाए हैं इतने ढंग से, वो नहीं आई वासेपुर वाला मोबाइल डीजे आ गया इसमें। ये देखो यहाँ हर जगह जय श्री राम का नारा लगता हुआ, और यहाँ
बुराई पर अच्छाई की जीत होती हुई। ये रावण जल गया दिल से।